हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटरे की चाट की रेसिपी। चाट हम सबको पसंद आती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसमें एक बैलेंस फ्लेवर हो नमक, नींबू, मिर्च और मीठे का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कभी मीठी सॉल्ट ज्यादा हो गई, अब कभी हमारी हरी चटनी ज्यादा हो गई, कभी नींबू कम रह गया, और हम ये फ्लेवर्स को ही बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और इसी में ही रह जाते हैं। और फिर एक बार जो गड़बड़ हुई तो चाट का स्वाद परफेक्ट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगी इस वीडियो में। आगे जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि फ्लेवर बैलेंस करने के लिए आप भी हरी चटनी और मीठी सॉल्ट को कम ज्यादा करते हैं क्या। तो चलिए, मटरे की चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मटरा। मटरा को व्हाइट पीस, ग्रीन पीस, बटाना, ये सब नाम से भी जाना जाता है। मटरा हरा और सफेद दोनों रंग का मिलता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक कप मटरा अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। और मटरा भी छोले और राजमा जैसे होता है, पानी में भीगने के बाद दुगना हो जाता है। अब इसको उबालने के लिए इसे कुकर में डालें और उसमें सिर्फ उतना ही पानी डालें जितना हमारा मटरा को कवर करने के लिए चाहिए, वरना पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको पानी सुखाना पड़ेगा। अब मटरे को कुकर में उबाल लें। आधा चम्मच नमक डाल के उबालने के लिए दो सीटी हाई फ्लेम पे लगाएं और दो से तीन सीटी लो फ्लेम पे। फिर कुकर को ठंडा हो जाने दें, उसके बाद उसे खोल लें। अब जब मटरा उबल जाए उसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लें किसी भी कलछी से। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे उबाल के पहले दिन भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे चाट रेडी करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। दिस इज अ बेस्ट स्नैक फॉर अ हाई टी। अब एक कप मटरा से 2.5 कप मटरा उबल के आती है और उसमें से मैं आधी मटरा की चाट बना रही हूँ। मीन्स 1.25 कप उबला हुआ मटरा है। और अब इसमें डालें उबला हुआ आलू, कटा हुआ टमाटर, प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी और 3 बड़े चम्मच मीठी सॉल्ट। यहाँ आप चटनियों की कंसिस्टेंसी देख ले। अगर आपकी चटनियाँ बहुत गाढ़ी हैं या बहुत पतली हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी एडजस्ट करें अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अब डालें भुना जीरा, बहुत थोड़ा सा काला नमक, बहुत थोड़ा सा सादा नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और 1 बड़ा चम्मच नींबू। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद एंड में डालें हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और चुकंदर। अदरक इज द गेम चेंजर ऑफ दिस डिश। बिना अदरक के चाट का स्वाद अधूरा है। और इन सबको अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद हो गई आपकी ये चाट तैयार। अब इसको एक दोने में सर्व करें, क्योंकि चाट को खाने का मजा एक दोने में ही है। सर्व करने से पहले गार्निश करें कटे हुए अदरक, हरी मिर्च, चुकंदर और हरे धनिया के साथ। और बस लीजिए, हो गई आपकी चाट तैयार। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या किसी भी अपनी पसंद की ब्रेड के साथ, जैसे कुलचा, रोटी, पराठा, पाव या ब्रेड के साथ।